हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैंने ये वाला जो मेकअप लुक क्रिएट किया है, ये एक्चुअली एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। तो इसे ये इंस्पायर्ड है दीप्ति घाई शर्मा से। तो उनका जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं उनके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखती हूँ। तो मुझे ये वाला मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। ये उन्होंने क्रिएट किया था आई थिंक लास्ट वीक। तो ये है सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक, इसे मैंने क्रिएट किया है अफोर्डेबल मेकअप्स के थ्रू। तो मैं कोई मेकअप में आर्टिस्ट नहीं हूँ, लाइक आई एम नॉट अ प्रो इन मेकअप। तो मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया, आई माई सेल्फ इज़ अ बिगनर। तो प्लीज़ इसे कंपेयर मत कीजिएगा उनके मेकअप ट्यूटोरियल से, मैंने जस्ट ट्राई आउट किया है। तो मैं ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मेरे लेटेस्ट सारे वीडियोज़ आपको मेरे आई बटन पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जा करके मेरे वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ NY मेकअप प्राइमर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइमर है, तो इसे मैंने अपने नेक पे भी अप्लाई कर लिया है और अच्छे से इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे, ताकि जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। फिर मैं अपने आईब्रोज़ के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसमें मैंने जो शेड पिक किया है वो है ब्राउन। तो एक्चुअली आपको एक पैक में दो शेड मिल जाता है, ब्लैक एंड ब्राउन। तो मेरे पास यहाँ पे वही वाला शेड अवेलेबल था। तो मैंने अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लिया है। फिर मैं एक लिक्विड कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा शेप अप करूँगी, ताकि मेरा जो आईब्रो का लुक है वो थोड़ा सा शार्प हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है दीप्ति घई शर्मा के वीडियोज़ में वो अपने आईब्रोज़ को थोड़ी सी शार्प लुक देती हैं। तो इस तरह से मैं इसे अच्छे से एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। नाउ फेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। तो इसे मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, साथ ही साथ मैंने नेक पे भी बाद में अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैं इसे मेकअप ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका कवरेज, तो ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर मैं कंसीलर के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का हाइड माई हिकी कंसीलर। तो ये एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, इसका फुल रिव्यू वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो मैंने इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है, जहाँ पर भी मुझे अपने फेस पर यू नो थोड़ा सा ब्राइटेंड इफेक्ट चाहिए। तो इस तरह से अप्लाई कर लिया है। तो इसमें आपको एक ब्रश एप्लीकेटर मिलता है। नाउ मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ मैं इसे अपने फेस पे। उसमें जो ब्रश एप्लीकेटर है उससे जो है आप अपने कंसीलर को ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। नाउ अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई गेस ये 125 रुपीज़ का है। तो इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इससे अपने फेस को बेक भी कर सकते हैं। नाउ कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निका के का कॉन्टोर पैलेट। इसमें से मैंने लाइटर शेड पिक किया है और इससे जो है मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी जहाँ कहीं भी मुझे ज़रूरत है। तो मैंने चीक्स को कॉन्टोर किया है, साथ ही साथ मैं अपने जॉ लाइन को थोड़ा सा एनहेंस कर रही हूँ, थोड़ा सा शेप अप कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टोरिंग के बाद फेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब मैं इसी शेड से अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है आई शेडो ब्रश। नाउ ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 की लिपस्टिक। तो ये लाइट पिंकिश शेड में है, तो इसे मैंने अपने चीक्स पे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड भी है, तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नाउ स्टार्टिंग विथ आई मेकअप, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा का आई शेडो पैलेट और उसमें से मैंने ये लाइट पीची शेड पिक किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल पैलेट है, मैंने इसे परचेज़ किया था 250 रुपीज़ का। तो मैं इससे अपने आईज़ में ट्रांजिशन ऐड कर रही हूँ। फिर मैं ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से और ट्रांजिशन शेड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही अपने आउटर आईज़ पे। तो इस तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया और लाइटली मैं इसे ब्लेंड करूँगी बाकी सारे कलर्स के साथ। फिर मैं ये डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और इसे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अच्छे से पैट करके अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है बाकी सारे शेड्स के साथ। और फिर मैं सेम शेड को अपने इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने यूज़ किया था और अप्लाई किया था डार्कर ब्राउन शेड और उन्होंने क्रिएट किया था हेलो आईज़। तो मैंने भी कुछ उस तरह से हेलो आई मेकअप क्रिएट करने की कोशिश की है। तो मैंने डार्कर ब्राउन शेड को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। फिर मैं अपने मिडिल ऑफ माय आईज़ पे यूज़ कर रही हूँ लिक्विड कंसीलर। उसके बाद मैं ये रोज़ गोल्ड शेड यूज़ कर रही हूँ अपने मिडिल आईज़ पे अप्लाई करने के लिए, जिससे कि मेरा जो आईज़ है वो थोड़ा सा पॉपअप लगे और हेलो आई का जो मेकअप लुक है वो अच्छे से विजिबल हो।
फिर मैंने सेम डार्क ब्राउन शेड को पिक करके अपने आईज़ पे अच्छे से उसे ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे मैं अपने आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लाइनर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लाइनर है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही थिन सा विंग ड्रॉ करूँगी। उसके बाद काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का काजल, और मैं अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी। तो मैंने फुल आईज़ में अप्लाई किया है काजल, फिर मैं ये लाइट ब्राउन शेड को यूज़ करके अपने काजल को स्मोक आउट कर रही हूँ, और थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश की है मैंने लोअर आईज़ पे मेकअप। फिर मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा, तो आप चाहें तो फॉल्स लैशेज भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एले कलर्स का स्किन एनहेंसर, और इसे मैं अपने फेस के हायर पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी। साथ ही साथ मैंने इसे थोड़ा सा आईलिड पे भी अप्लाई किया है, ताकि मैंने जहाँ पे ग्लिटर यूज़ किया है वो एरिया थोड़ा सा पॉपअप लगे। तो ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरा जो आई मेकअप है वो पॉपअप लग रहा है। फिर मैंने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर पे भी यूज़ कर लिया है, इससे जो है आपका आई मेकअप काफ़ी हद तक एनहेंस हो जाता है। फिर मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लास्टली यूज़ किया है लैक्मे 925 की लिक्विड लिपस्टिक, और इसमें मेरा शेड है रोज वुड। तो इसे मैंने यूज़ किया है, उन्होंने भी न्यूड लिपस्टिक यूज़ किया था, उनका जो शेड था थोड़ा सा ब्राउनिश शेड की तरफ था, मेरा थोड़ा सा पर्पल मॉव टोन है। तो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आती रहे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने उनका मेकअप लुक ट्राई किया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड येस, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।